अरे 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 भाई साहब, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे भाई, ओ भाई। तो हे गाइस, दिस इज चोबी वाचिंग राइडर। एज यू नो, राइडर मेक्स द राइडर। आज डेट है अपनी 1 दिसंबर एंड टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहे। आई थिंक कुछ कंफर्म नहीं है, बट आज निकले हैं थोड़ा सुबह के टाइम ही, क्योंकि शाम के टाइम अब सर्दियाँ होने लगी है ना, तो दिक्कत हो जाती है। एक तो अंधेरा जल्दी हो जाता है और फिर कैमरे में इसमें रात का ज़्यादा व्यू अच्छे से रिकॉर्ड हो भी नहीं पाता, तो सुबह का टाइमिंग इज़ बेस्ट। एंड ठंड की वजह से भी इस टाइम थोड़ी धूप सही हो रही है, तो मैं सोचा आज निकल ही जाते हैं भाई एक शॉर्ट राइड पे। इस बाइक को लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इसका नामकरण जो है ना वो अभी तक करा नहीं है। देखो, मुझे नामकरण जो करना है इंग्लिश में ही करना है, इंग्लिश के अलावा और कोई नहीं है। परी वरी ऐसा मुझे कुछ रखना नहीं, मुझे अच्छे लगते भी नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई इंग्लिश वर्ड रखा जाए। मैंने एक सोचा भी था, क्योंकि इसका नाम जैसे V3 है तो V से ही कुछ रखा जाए, तो मैंने इसका वल्चर नाम रख दिया था। जैसे सबको पता है वल्चर मतलब गिद्ध होता है, जो अब ज़्यादातर मिलते नहीं है, और उनकी मैंने सुना उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो बस यही रीज़न है इसका नाम वल्चर रखने के लिए। तो अपनी वल्चर पर आज हम चल रहे हैं और अब देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। कुछ ऐसा कंटेंट बेस नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ स्पेशली, मैं ऐसे निकल गया हूँ बाहर। अरे 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 अरे, ना देख रहा राइट ना लेफ्ट, मतलब बस चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। कोई बात नहीं, चलने का सबको राइट है, लेकिन सड़कों पर थोड़ा देख के चलो भैया। हम भी चल रहे हैं देख के, बिल्कुल टंकी आज फुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितने भी दूर तक जा सकते हैं, लेकिन वही अभी अलाउड नहीं है ज़्यादा दूर तक जाना, तो पास पास में घूम रहे हैं। एंड 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 निकलने दो, रे 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 रे, निकलने भी नहीं दे रहे भैया, क्या बात हो गई। ओ भाई, एक्टिवा की कटिंग मतलब इन जो एक्टिवा के जो साइड में टायर्स लगे हुए हैं ना भाई, इसे चलाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भाई देख लो, जब भी मैं चल रहा हूँ अभी 80-75 पे, और भाई भी 75 पे, अब कम कर ली शायद, बट स्किल्स है भाई। और अरे भाई भाई, देख रहे हो देख रहे हो, मतलब कमाल का है भाई इम्प्रेसिव भाई, इम्प्रेसिव। अरे भाई साहब, क्या गंदी स्किट मारी यार, आवाज़ आई मुझे तो बहुत तेज आई, लोग भी देख रहे थे, कुछ तो करके ही मानेंगे अंकल जी आज। लोग कहते हैं कि पहली वाली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ भाई, पहली वाली वीडियो पे तो किसी ने रिस्पांस दिखाया ही नहीं यार। इससे अच्छी अच्छी मेरी दूसरी वीडियो चल जाती हैं, लेकिन ये पहली वाली इतनी अच्छी वीडियो बनाई है लेकिन वो चली ही नहीं, क्या करें। तो भैया देख लो, थोड़ा शेयर कर दिया करो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, वैसे सभी नए होते हैं अभी, क्योंकि 96% जो वॉच टाइम आ रहा है वो अनसब्सक्राइब वालों की तरफ से आ रहा है, लेकिन देख लो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। वेल, बाबा के ढाबे का जो मटर पनीर था वो बना, और भाई बहुत अच्छा चला, लेकिन सड़ गया कुछ टाइम बाद, तो मैं इसलिए गया नहीं वहाँ। मैं ना उसके बनने पर गया, ना अच्छे चलने पर गया, और ना सड़ने के बाद गया। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि एक विजिट तो ज़रूर करके आना पड़ेगा, कि आखिर इतने दिनों बाद अब किस तरह से चल रहा है बाबा का ढाबा। तो कुछ दिन बाद वहाँ जाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या। आज मैं जाने वाला था बट थोड़ा मैं लेट हो गया, इसलिए मैं अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि टाइम लगता है यार, दूर है भाई जाने में यार, इससे थोड़े कि सोचा चले गए तो थोड़ा एक दो दिन बाद जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक वहीं की कर सकते हैं हम, नहीं सिर्फ मैं ही जाऊंगा, तुम मज़े लो बैठ के रजाइयों में, कंबलों में, वैसे भी सब पंखे चला के बैठ रहे हैं, रजाई हो कंबल हो, ये अलग सा ही बेहतर हो रहा है कि जब तक रात को एक टांग बाहर निकाल के ना सो तो भाई नींद नहीं आती है, और पंखा बंद कर दो तो गर्मी, रजाई ओढ़ लो तो भी गर्मी, तो एक टांग बाहर और पंखा ऑन और रजाई अपने ऊपर, तो भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है इस वाले मौसम का, ये युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ये भी ठीक है। और लिख भी तो रखा है ऐसी वाली बस पर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रही है। तो अभी हम जा रहे हैं, जैसा कि रोड को भाई देख के पता चल ही गए होंगे कहाँ तक एक राउंड मार के आते हैं, अभी हम जा रहे हैं अपना रेड फोर्ट तक। एक लाल किला है हमारे दिल्ली में, वो सबको पता ही है यार, तू भी क्या बोलता है। तो रेड फोर्ट तक जा रहे हैं, एक अच्छा सा राइड हो जाएगी थोड़ी बहुत। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, निकल लगा। हाँ, तो एक छोटी सी राइड हो जाएगी, फिर मज़ा सा आ जाएगा, थोड़ा अंदर तक एनर्जी फील हो जाएगा रात तक शाम तक। तो ये रोड मुझे खाली सी लग रही है, शांत करके बैठ जाओ। अरे भाई क्या कर रहा है, अरे लगी भाई साहब, ना इंडिकेटर ना कुछ, ना लेफ्ट देख रहा है, अभी मेरे हाथ में मार देता है, ग्लव्स भी नहीं पहन रहा, ठंड वैसे हो रही है। हाँ यार, किस तरह
क्या करते हैं यार लोग, इतना इतना सा बचा, बिल्कुल इतना इतना सा, क्योंकि जो ऊपर से जो भाई टॉयलेट इतना ज़्यादा करते हैं ना लोग, और अभी भी ट्रेन देखो ऊपर जा रही है ना, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि रुक ही जाऊँ क्योंकि भीगना नहीं है भाई, बहुत गंदा टॉयलेट करते हैं, शावर चला देते हैं पूरा। बट कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी में निकलेंगे, दूर से दिख जाएगा ना जहाँ से पानी से टपक रहा है, मैं समझ जाऊँगा वो क्या हो रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाऊँगा। अरे भैया जल्दी जाने दो, वेल अगर संडे होता तो कम भीड़ मिलती इस वाले लोहे के पुल में, आयरन ब्रिज, जो कि बचपन में इस ब्रिज में इतना ज़्यादा डर लगता था ना आते जाते टाइम, भाई इतना ज़्यादा डर लगता है ना जब ऊपर ट्रेन चलती है, ओए होए। एक तो इस ब्रिज की हालत इतनी ख़राब हो गई है, अंग्रेज़ों के बनाए हुए कट है, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये ब्रिज है, थोड़ी बहुत इसकी हो गई थी मरम्मत टाइप, तो अभी तो ये चल ही रहा है, लेट्स सी कब तक चलता है। ऑटो वाले कितने हैं यार, कितने ऑटो वाले हैं, जहाँ देखो ऑटो ऑटो ऑटो। ओ भाई, अरे भाई क्या था ये, अरे यार इतनी ज़्यादा स्पीड में एक्टिवा, बिल्कुल इतना इतना बचा भाई यार, क्या पागल इंसान है भाई यार, बिल्कुल वो भी गिरने को तैयार था अगर मैंने बचाता, वह यार सही में बड़े ही पागल लोग हैं यार, क्या कहूँ मैं कैमरे के सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकता दादा, अन्ना कोई और होता गालियाँ निकलती मुँह से, बट हम गालियाँ नहीं देते। अरे भैया रुक जाओ यार, हम तो धीरे चल रहे हैं भैया, देख लो बिल्कुल। अबे भाई पिटपिटी हो बेटे, अरे आओ रे तेरी पैर नहीं रखने का भाई साहब नीचे, वाओ यार क्या सही स्लाइड थी ये वाली, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग तो नहीं हुई लेकिन लैंड स्लाइडिंग वाली रोडिंग जरूर हो गई, पूरा नीचे था भाई, होगा 55 डिग्री। अबे छोड़ यार डिग्री में कहाँ फंस गया तू, इधर का मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, सीधे चलते हैं। हाय भाई फाइनली थोड़ी सी खुली सड़क आई सामने, और ये रहा अपने लेफ्ट में रेड फोर्ट, प्रमोट कर रहा हूँ लाल किले को मैं, देख लो भैया एक बार रेड फोर्ट देख लो पूरा, घूमने के लिए हम काफ़ी जगह काफ़ी टाइम बार हम यहाँ घूम भी चुके हैं, कम से कम 1000 नहीं 150 बार तो मैं घूम ही चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब कोई टाइम नहीं मिलता था, और मेरे राइट में चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट, और ये रहा अपना पूरा बढ़िया वाला एकदम रेड फोर्ट, अभी शायद एंट्री बंद है या एंट्री चल भी रही है कुछ पता नहीं, और इधर से अपना रेड अपनी चांदनी चौक वाली मार्केट हो ही गई है, तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है, क्या कहते हो एक पिक्चर ली जाए, पिक्चर भी नहीं हल्का सा रोक के दिखाया तो जाए तुमको दोस्तों, तो कुछ ऐसा है भैया देख लो एक बार कैमरा का तो मोड़ के कहाँ गया, फिर एकदम से याद आता है भैया ऑटो ऑटो लगा लिया यार, इतना अच्छा सीन ले रहा था यार। अरे यहाँ से ठीक है वेल यार अपना ठीक है, चलो भाई चलो 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 अंदर नहीं जाना अभी, चलो 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 चलो, तो देख लो इतनी दूर आया मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हें थोड़ा सा मज़ा आ जाए कि सड़कों पर आगे हो क्या रहा है और कहाँ कहाँ घूमना फिरना सही चल रहा है, तो मैं देख लो यार थोड़ा बहुत मेहनत करो, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट कर देना, अभी वीडियो एड नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा रुको ज़रा। भाई क्या कर रहा है, इतना क्यों भर के लेके जा रहा है इस पिटपिटी पे, जब खिसक भी नहीं, अरे जब खिसक ही नहीं रही है तुझसे, कमाल कर रहा है यार, मेरे फ्रंट टायर में और मार दिया है। ओ भाई डे, अरे बेटे ओ बेटे क्या करवा क्या करवा क्या करवा मैन क्या करता, मज़ा आ गया क्या करता क्या करता। अच्छा ये जो इस पर रेबरा क्रॉसिंग पे खड़े हैं पीछे नहीं खड़ा हो सकते क्या थोड़े, ये सोच सोच की बात है, और होने से पहले हॉर्न बजाने स्टार्ट, वाओ वाओ चलो। अरे भैया ठोक दिए इतनी भी क्या जल्दी, पीछे से ठोका सीधा रेड लाइट पर, रोक भी नहीं पा रहे अंकल जी। किस तरह भागा कुत्ता यार, कितने सीन्स हो रहे हैं आज।
तो हे गाइस, दिस इज शोएब अगेन एंड सामने वाले एंगल पे हमने कैमरा लगा दिया है। तो वीडियो को ये करते क्लोज, अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय, टेक केयर। तो पहले आप अपना ज़रा फेस तो देख लो यार, कैसी बात कर दी। पिछली बार हमने करा था ये वाला स्टेप और अब हम करेंगे ये वाला स्टेप। लेट्स गो और लेट्स गो।